कैसा है ये परफ्यूम? बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज हम ज़ारा के रिच वॉर्म एडिक्टिव परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। ये उनके टबैको कलेक्शन से है। खुशबू, परफॉर्मेंस, दाम के हिसाब से खरीदना सही होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम काम का लगे तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसके बॉटल को देख लेते हैं। सिंपल सी बॉटल है लेकिन एलिगेंट लगती है मुझे। अगर आप ग्लास देखें तो टिंटेड डार्क ब्राउन है और सामने प्रिंटेड है टबैको कलेक्शन, रिच वॉर्म एडिक्टिव लिखा है, यहाँ पे ज़ारा लिखा है। इसके नीचे एक छोटा सा स्टिकर है गोल सा, ये 100 ml है EDT और एथिलॉलेट कॉन्सेंट्रेशन है। अगर आप देखें ऊपर जो कैप है, राउंड प्लास्टिक कैप है लेकिन यहाँ पे एक टेक्सचर है जो महसूस होता है टच करने पे। ये प्लास्टिक है लेकिन इसमें थोड़ी वजन है तो मतलब क्वालिटी थोड़ी ठीक है। और एटमाइज़र आप देखें तो ये ब्लैक कलर का है, प्लास्टिक ही लगता है ये। तो ओवरऑल बॉटल एलिगेंट लगती है लेकिन ऐसा लगता है कि 18वीं सदी में भी कोई इंसान फ्रांस के किसी परफ्यूम शॉप पर जाकर खरीद सकता है, सिर्फ प्रिंट हटा दिया जाए तो। काफ़ी विक्टोरियन टाइप बॉटल लगती है। और ये भी कहें तो इसके जो और भी बॉटल हैं सिमिलर ही हैं, आप देख लें, चाहे वो 9.0 है, चाहे ये नाइट ओम नंबर 2, 3 इवन 5, 4 भी सिमिलर ही हैं। और मैं नोटिस कर रहा था तो मुझे लगा कि ह्यूग बॉस, ये देखिए EDP और द परफ्यूम, ये जो है नया वाला सिमिलर दिखने में सेम है। इवन आप ये देखें तो ह्यूगो बॉस का जो टॉनिक है ये भी, बॉटल का स्ट्रक्चर कैप भी लगभग सिमिलर ही है। इवन कुछ पुराने में भी हम देखें तो ये पोलो ब्लू जो है ये काफ़ी पुरानी बॉटल है, परफ्यूम भी काफ़ी पुराना लॉन्च है, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर और इवन कैप भी लगभग थोड़ा सिमिलैरिटी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ज़ारा हो सकता है इंस्पायर्ड है या फिर उन्होंने कॉपी किया ह्यूगो बॉस, लेकिन बॉटल ओवरऑल सही है। अब इसके स्प्रेयर को देख लेते हैं। स्प्रेयर की क्वालिटी ठीक है, आप आधा स्प्रे भी कर सकते हैं, पूरा भी कर सकते हैं। तो आप देखें ज़ारा के ओवरऑल जो क्वालिटी है ठीक ही होते हैं। आप 9.0 का भी देख सकते हैं, सिमिलर ही है। आप चाहे ये नाइट ओम जो है सामने है तो स्प्रे करके दिखा देता हूँ, देखिए सिमिलर है। मुझे ऐसा लगा कि नाइट ओम का थोड़ा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, इसका बेटर है, थोड़ा ठीक है, बेहतर है। इसके खुशबू के बारे में बात करते हैं। जो सबसे प्रोमिनेंट मुझे नोट्स मिलते हैं वो है नारियल का बहुत अच्छा ब्लेंड मिलता है, कोकोनट का, शहद के साथ, हनी के साथ, और बहुत ही माइन्यूट सा इसमें टच है टबैको, तंबाकू का। देखिए इवन दो ज़ारा ने इसका नाम टबैको कलेक्शन की तरह रखा है लेकिन मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये टबैको बेस्ड बहुत अच्छा परफ्यूम है। ये एक स्वीट कोकोनटी गर्मॉन्डिश कुछ खाने वाली चीज़, बहुत ही कोजी सी इसकी खुशबू है और वनीला बेस आप कह सकते हैं थोड़ा है और थोड़ा बूजी भी है। तो अगर आप टबैको बेस परफ्यूम चाहते हैं तो आप और थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि काफ़ी मीठा परफ्यूम है। अब ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत नेचुरल नहीं इसकी खुशबू है, सिंथेटिक है। ज़ारा ने कहीं मेंशन नहीं किया है किसी बूजी या रम जैसे नोट का, लेकिन जब भी मैं इसको स्प्रे करता हूँ तो मुझे एक बूजीनेस मिलता है, एक रम जैसी खुशबू मिलती है। तो आप इमेजिन करिए कि आप केक बेक कर रहे हैं और उसी दौरान आप रम सिप कर रहे हैं या किसी अल्कोहल को सिप कर रहे हैं, तो कैसा एक एरोमा क्रिएट हो जाएगा, बड़ा ही खूबसूरत सा, वार्म सा, थोड़ा फेस्टिव टाइप। और ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से चाय और किसी फ्राइड चीज़ जैसे पकोड़े को खाने का मज़ा बारिश के मौसम में ज़्यादा आता है, उसी तरीके से इसको लगाने का मज़ा हल्की ठंडक में है। देखिए बहुत स्नो वाली ठंडक नहीं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये स्पाइसी भी नहीं है, ये सॉफ्ट है, ये एक कोजी सॉफ्ट वार्म सा परफ्यूम है। तो हल्का इवनिंग टाइम में अगर हल्का ब्रीज चल रही है ठंडी, ठंडी के मौसम में भी घर के अंदर लगाना, क्रिसमस टाइम पे लगाना, हल्का फेस्टिवल है कोई ठंडी का उसमें लगाना, मुझे लगता है दिवाली पे भी इसको लगा सकते हैं, इन्जॉय करेंगे, कोजी इन्वाइटिंग सी खुशबू है। तो मुझे पर्सनली इवनिंग टाइम में इसको लगाना अच्छा लगता है। ड्राई डाउन में इसमें हल्की सी एक वुडीनेस आ जाती है। ज़ारा कहते भी हैं कि इसमें सैंडलवुड चंदन का इस्तेमाल है, सीडर का इस्तेमाल है, लेकिन सच कहूँ तो ये बहुत ही लीनियर परफ्यूम है। ये जैसी इसकी ओपनिंग है वैसा ही ड्राई डाउन में इसकी खुशबू है, हल्का सा थोड़ा सा आपको वुडीनेस मिल जाएगा, लेकिन ओवरऑल ये एक स्वीट, काफ़ी स्वीट, कोकोनटी,
शहद हनी वाली खुशबू है, हल्का वनीला बूजी खुशबू है और किसी खाने वाली चीज़ जैसी खुशबू है। तो आप ये समझ के रखिए कि एक मीठा परफ्यूम है। अगर आपको स्वीट परफ्यूम नहीं पसंद है तो मुझे लगता है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो अगर आप 20+ हैं, स्कूल कॉलेज काम पे लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। एक बड़ी मॉडर्न सी खुशबू है और बहुत ओवरपावरिंग ऐसा नहीं है। टबैको तो ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है कि मिडिल एज है तो थोड़ा जाने, ये मुझे लगता है कि थोड़ा टीन की तरफ, थोड़ा अगर आप 20 और 35 के बीच में हैं तो ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और ये भी है कि इसकी खुशबू यूनिसेक्स है, तो अगर आप फीमेल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप लगा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई भी कैरी कर सकता है। एक बड़ी ही इन्वाइटिंग सी कोजी सी खुशबू है इसकी। मौसम के बारे में बोलूँ तो ये एक ठंडे मौसम का परफ्यूम है। आप जहाँ पर भी हैं, अगर वहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ती तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आउटडोर के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है क्योंकि एक सॉफ्ट परफ्यूम है तो ठंडक को काटेगा नहीं, बहुत लोग नोटिस नहीं करेंगे। लेकिन इवनिंग टाइम में इंडोर अगर आप डेट पे जा रहे हैं, कॉफ़ी पे जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं तो मुझे लगता है काफ़ी इन्जॉय करेंगे। अगर फेस्टिवल है, किसी का बर्थडे है तो मुझे लगता है इन्जॉय करेंगे आप इसको। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो ये एक डिसेंट परफॉर्मर है, अनलाइक जैसे ज़ारा के तादाद में परफ्यूम होते हैं। इससे मुझे स्किन पे 5 से 6 घंटे लॉन्जिविटी आसानी से मिल जाता है। और कपड़े पे स्प्रे करता हूँ तो करीब 9-10 घंटे तक मुझे खुशबू मिलती है। लेकिन एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसका प्रोजेक्शन काफ़ी सॉफ्ट है, ये एक सॉफ्ट कोजी सा परफ्यूम है। तो इसको 4-5 स्प्रे अगर आप करेंगे तो करीब 1.5-2 फीट तक किसी को महसूस होगा। लेकिन जब आप मूव करेंगे, आप चलेंगे तो सियाज और ट्रेल क्रिएट करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रूम फिलिंग नहीं है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। इवन दो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है लेकिन प्रोजेक्शन सॉफ्ट है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए जो इसका दाम है करीब 1200 रुपये का है, आप ज़ारा के स्टोर से खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक पैसा वसूल परफ्यूम है, परफॉर्मेंस डिसेंट है, खुशबू भी बड़ी अच्छी सी है, कोजी सी है, इनवाइटिंग, हल्का सिडक्शन भी है, तो उस हिसाब से अच्छा है ये। लेकिन अगर आपको स्वीट परफ्यूम नहीं पसंद आते, कोई खाने वाली जैसी खुशबू आपको नहीं पसंद आता तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप स्वीट परफ्यूम, वनीला बेस या फिर ऐसा कोकोनटी खुशबू आप चाहते हैं तो मुझे लगता है आप इसको इन्जॉय करेंगे। ठंडी के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब इसकी रेटिंग कर लेते हैं। मैं इसको प्रेजेंटेशन में 8 दूंगा। सिंपल सी बॉटल है लेकिन बॉटल ओवरऑल दिखने में एलिगेंट है। मैं इसको खुशबू में भी 8 दूंगा। मुझे इसको लगाना पसंद है ठंडी के मौसम में, इवनिंग में अच्छा लगता है। इसको यूनिकनेस में मैं 7.5 दूंगा। देखिए एक ये कोकोनटी हनी वाली खुशबू है तो उस हिसाब से बहुत यूनिक नहीं है लेकिन अच्छी है। मैं इसको परफॉर्मेंस में 8 दूंगा। डिसेंट परफॉर्मर है, प्रोजेक्शन थोड़ा सॉफ्ट है लेकिन स्टिल मुझे पैसा वसूल परफ्यूम लगता है। इसको कॉम्प्लीमेंट फैक्टर में 7.5 दूंगा। मुझे पर्सनली बहुत खास तो तारीफें नहीं मिली हैं लेकिन खुशबू अच्छी है तो छुटपुट कभी पूछ सकता है आपसे कोई कि आपने क्या लगाया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपकी मदद करे। आप मुझे बताइएगा कमेंट में अगर आपके पास है तो आपको कैसा लगता है, आपका सबसे पसंदीदा ज़ारा का परफ्यूम कौन सा है, मैं जानना चाहूँगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।